हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकता समाचार सागवाड़ा में। सागवाड़ा एवं आसपास की तमाम खबरें अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एकता समाचार सागवाड़ा को। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हमारी लेटेस्ट खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। धन्यवाद। उमांशु भाई, ये पार्टी की जीत का श्रेय आपको जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हो? धन्यवाद जनता को। मुझे भी जाता है, ये पूरी क्षेत्र की जनता का एक आशीर्वाद था। जनता हमारे साथ थी और जनता का आशीर्वाद जिसको मिला वो जीता ही है। जनता का आशीर्वाद है, जनता साथ थी, जनता की जीत है, मेरे अकेले की जीत नहीं है। आपका नगर पालिका बोर्ड पहली बार बना है, तो इन पूरे गाँव वासियों की एक मांग है कि यहाँ पे डूंगरपुर और सागवाड़ा में जो विकास हुआ है वैसा होकर चाहते, तो इसके बारे में आप क्या कहते हो? हमारा तक प्रयास रहेगा, पूरी युवा टीम है, सभी एक साथ, सबको एक साथ में चलेंगे, सब विकास करेंगे, जितना बन पड़ेगा, जितना लोगों की उम्मीद है उस पर सब खड़ा उतरेंगे। हमारे दिलीप भाई और आप दोनों का से है, तो इनका कंधे से कंधा लगा कर काम करेंगे आगे। आपको आपको पहले भी 6 महीने आप है, पहले भी आपको अनुभव था और आप जो विकास नहीं किया वो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आप चेयरमैन बने तो नहीं, एक समाज सेवी के रूप में समाज सेवी के रूप में सब समाज की तरफ बात करेंगे। ये थे हमारे 5-7 महोदय राजनीति चैनल। राजनीति चैनल बताइए, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आप चेयरमैन बस जनता की सोच पे यहाँ तक हम पहुँच गए, अब जनता की सेवा के लिए हम हाजिर हैं। जो भी काम हमको मिलेगा गांव से हम तत्पर रहेंगे, जीत का तो हम जीत जान से करेंगे। जीत का सही किसको जाता? जीत का जी हमारी पूरी टीम और जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने तन मन धन से सब कुछ समर्पण कर दिया, हमारे पीछे लग गए थे। ये हमारे 1 महीने से मेहनत करने वाला हमारे प्रकाश जी बताइए, हमारा दिलीप भाई अध्यक्ष बने हैं, ये हमारे प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका के चेयरमैन भाई और चेयरमैन और यहाँ के जो विधायक थे, उन्होंने काफी मशक्कत के बाद जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद यहाँ बोर्ड बना, इसके लिए सभी को। इधर हमारे ज्योति भाई, ज्योति भाई बताइए हमारे एकता समाचार। जो विश्वास आज हम लोग ने बताया है, उस विश्वास में पूरा खड़ा उतर के हम बताएंगे और जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी का वोट यहाँ बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे वोट बनाया नगर पालिका का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली बार नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई थी, पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में नगर पालिका ने दर्जा दिया, कांग्रेस का शासन आया, कांग्रेस ने आते ही इसको 2 बार कैंसिल कर दिया और अभी वापस हमारी वसुंधरा जी की सरकार आई, उसमें हमारे मेवाड़ के नेता सम्मानीय कटारिया साहब के प्रयास से और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और आम जनप्रतिनिधियों के प्रयास से इसको वापस नगर पालिका का दर्जा मिला और ये पहली बार चुनाव हुआ। पहली बार चुनाव में आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और उनके समर्थन से हमारा अध्यक्ष निर्वाचित हो चुका है और
उपाध्यक्ष भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित होगा और हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी पार्षद मिलकर के प्रतापपुर पीढ़ी नगर पालिका को एक जैसे आपके सागवाड़ा की जो नगर पालिका है, डूंगरपुर की नगर पालिका है, उस तरह उसको हम एक अच्छा विकसित नगर पालिका बनाने का हमारे सबका प्रयास रहेगा, जिसमें हम केंद्र सरकार, हमारे सांसद हैं, मैं खुद MLA भी हैं और अन्य प्रकार के बजटों से नगर पालिका को संवारने का पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे प्रभारी गोविंद सिंह जी बताइए, यहाँ पे नगर पालिका का जो बोर्ड बनने जा रहा था तो आपको यहाँ परफॉर्म है तो आपको कैसा महसूस हुआ और कैसे किस कठिनाइयों से आपको सामना करना पड़ा? प्रतापपुर गढ़ी जो नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति लंबे समय से समर्थन और सहयोग रहा है और इस बार माननीय कैलाश जी मीणा हमारे विधायक के नेतृत्व में गढ़ी विधानसभा भारी बहुमत से जिताया भी था और हम कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा। जीत का श्रेय किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी को जाता है और मेरे वार्ड के कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने मान सिंह चुनाव नहीं लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और मेरे वार्ड के लोगों ने चुनाव लड़ा है, आम जनता मेरे वार्ड के साथ थी और ये सीट मान सिंह की सीट नहीं थी, कैलाश मीणा की सीट थी। गढ़ी के आम कार्यकर्ता ने कहा था कि कैलाश मीणा को हरा रहे हैं, हम मान सिंह को नहीं हरा रहे, लेकिन मान सिंह के लिए जो मेरी वार्ड की जनता ने जो किया है उनके लिए 5 साल तत्पर आधी रात को भी खड़ा रहूंगा। वैसे भी प्रशासन के लिए आधी रात को पुलिस का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, मान सिंह तत्पर खड़ा रहता है और इसी के साथ मेरे वार्ड वालों को धन्यवाद देता हूँ कि गढ़ी विधानसभा कैलाश। जो माहौल दिख रहा है वो एकदम खुशी का माहौल है। जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की एकदम चाचा जीत को हम यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जो प्रतापपुर गढ़ी का जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है उस गढ़ को आज पुनः एक मजबूती दी है। उन सभी युवा भाइयों का और सभी मतदाताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने शांतिपूर्वक इस मतदान में भाग लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो पहला बोर्ड बना है यहाँ पे, पहली बार इस नगर पालिका में जो भारतीय जनता पार्टी का पहला बोर्ड चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों का जो एक जोड़ा बना है उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। साथ ही मीडिया का जो समय समय पर यहाँ बराबर आती रही और एक अच्छा स्वच्छ कवरेज जो उन्होंने पेश किया उसके लिए हम मीडिया के भी बड़े आभारी हैं, साधुवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद धन्यवाद। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतापपुर गढ़ी की जो पहली नगर पालिका बनी उसमें BJP का बोर्ड बना है, ये बोर्ड हमारा नहीं है, ये बोर्ड सीधा मोदी जी को जाता है। तो मैं सबसे पहले सभी युवा साथियों का अभिवादन करता हूं जिन्होंने हमारे पक्ष में वोट दिया और हमारे बोर्ड बनाया हमारा BJP का, और ये जितने भी युवा बैठे हैं हमारे ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हमारे रोशन जी भाई साहब, भरत जी दवे, दीपेश जी टेलर, अरविंद जी, हमारे ये बाकी जो सभी युवा बैठे हैं एक बार कार्यकर्ता की जीत हुई है, जिन कार्यकर्ताओं ने हमारा पूरा सहयोग किया उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी। हमारे मुस्लिम समाज से भाई राजू भाई जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता है, बहुत पुराना करता है। राजू बताइए यहाँ पे गौरव समाज है मुस्लिम समाज है? यहाँ पर हमारे प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका में मुस्लिम समाज और बोरा समाज ने में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सहयोग करा। कई वार्डों पे हमने कांग्रेस के पार्षदों को हमने केवल 25-25, 20-15 वोटों से हमने हराया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का कड़ा मुकाबला किया और मुस्लिम समाज भी धीरे धीरे, बोरा समाज भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता जा रहा और बोरा मुसलमान और बोरा समाज को एक कांग्रेस वाले बेवकूफ बना रहे हैं और अब मुसलमान को शिक्षित हो चुका है, मुसलमान पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है, इसलिए मुसलमान कांग्रेस के जहाज में नहीं आएगा। नंबर और 8 नंबर और 7 नंबर में 176 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले मुस्लिमों ने, वो भी केवल मुस्लिमों के वोट पड़े, इसलिए मुसलमान अब वो समझ चुका है अब कांग्रेस के जहाज में कभी नहीं आएगा।
अतिक भाई बताइए, आपके साथ 6 नंबर और 7 नंबर वार्ड में मुस्लिम समाज के काफी वोट थे, तो भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले? 7 नंबर वार्ड के अंदर मुस्लिम समाज ने एक छत्र 176 वोटिंग किया, पार्टी को दूसरे नंबर का स्थान दिया, इसलिए मैं मुस्लिम समाज का व अन्य जैन समाज का भी बाजपोर समाज का भी पूर्ण रूप से जो सहयोग मुझे मिला उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आगामी नगरपालिका चुनाव में मैं ये आशा रखता हूं कि वार्ड नंबर 7, 6 या 25, 1 से लेकर के 25 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ अनगिनत वोटों के साथ में विजयी बनाएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। गढ़ी विधानसभा को भारी बहुमत से जिताया भी था और हम कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा था, प्रतापपुर और गढ़ी की नगर की सारी जनता पे हमको विश्वास था कि निश्चित रूप से ये सब उनके भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाएंगे और उन्होंने वैसा ही दिया। हमारे सारे पार्षद जिनको जनता ने चुना है सही है, ऊर्जावान है और निश्चित रूप से प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका राजस्थान में अपना नया कीर्तिमान विकास के नाम पर मेरे साथ के नेतृत्व में धन्यवाद नगर पालिका और पूरी विधानसभा में उनका काफ़ी चर्चा चल रहा था और हमने भी सुना था मीडिया को बताइए साहब आपने जो जवाब चुनाव जीता उसका आपको क्या क्या कठिनाई और क्या क्या किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? नहीं, कठिनाई कोई नहीं थी, हमने पहले दिन से यह तय था कि हमारा वोट बढ़ने जा रहा है और हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो उम्मीदवारों का चयन किया प्रभारियों द्वारा और जिले द्वारा प्रदेश द्वारा वो इतना अच्छा था, हमको पहले से पता था हमारा वोट बढ़ने जा रहा है और हमको कोई परेशान नहीं। बताइए, यहाँ पे नगर पालिका बोर्ड पहली बार बना है तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? और प्रतापपुर सभी जो नगरवासियों को धन्यवाद देता हूँ, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता जिले से भी लगे, हमारे विधायक महोदय, जिला के पदाधिकारी, उनको सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। पूरी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, वो आने वाले 5 साल के अंदर गढ़ी प्रतापपुर नगर पालिका का बहुत विकास करेंगे, डूंगरपुर से भी ज्यादा हम विकास करेंगे। से हो साहब वार्ड नंबर 10 से? अच्छा, हाँ 10 से। हाँ, तो ये वार्ड वासी हो गए, अभी ये पार्षद वगैरह सब जीते हैं, तो इनसे क्या अपेक्षा रखते हो आप? जैसे हम अपेक्षा रखते हैं, हमारा मोहल्ले में ना तो बिजली की व्यवस्था है ना पानी की, कूड़ा कचरा पूरे गांव का एकत्रित होकर के हमारे घर के पास में डाल रहे हैं, तो थोड़ी साफ सफाई रहे। दूसरी बात, हमारा चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी है, वो दूसरी सड़कों की अपेक्षा रखते हैं हम, तो ये सारी व्यवस्था हम राजेश जी हमारे नए पार्षद बने हैं उनसे सारी उपेक्षा रखते हैं कि वो जल्द से जल्द बोर्ड की कमेटी में जावे और हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द। आप 8 दिन बाहर रहे तो बच्चों से दूर रहे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? बच्चों से दूर रहने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से जो आदेश था वो हमें करना था, इसलिए हमें सब कुछ त्याग कर हम बच्चों को छोड़ दिया। बहुत बढ़िया, ये आपने त्याग दिया उसका फल है सर, ये फल है, ये हमारे टीम को भी बहुत याद कर रहा था मैं, ताकि सबको मेरी चिंता पूरी थी, मेरा गाँव का बहुत बड़ी समस्या थी, उसका उत्तर नहीं जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका की जीत के बारे में थोड़ा जनता बताइए। रेडी नगर पालिका के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जनता के विकास के लिए पार्षदों का चुनाव किया, सभी हम हमारे सभी पार्टी मिल करके भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरे प्रतापपुर गढ़ी की है, साथ ही हमारे जो नगरपालिका लाने में हमारे श्री गौरी शंकर जी पंड्या एवं प्रकाश जी नागदा, उनका भी बहुत सहयोग था, वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनको भी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और हमने बहुत प्रयास किया और नगरपालिका आई और सबको धन्यवाद। धन्यवाद जय हिंद। नगर पालिका का बोर्ड बना, आपकी आपकी दिली इच्छा क्या है, यहाँ पे क्या विकास हो चाहिए आपको? कॉलेज आए, अच्छी शिक्षा हो, हॉस्पिटल में सब डॉक्टर की भर्ती हो, अच्छे डॉक्टर आए, साफ सफाई रहे, पानी की व्यवस्था रहे, सबसे पहले तो वो बिजली पे सारे रास्ते में इतना गंदगी फैली रहती है, वो इतना ना तो यहाँ कूड़ा पत्र की व्यवस्था है और ना ही
रात में अगर 7 बजे भी आई थी नंबर 4 स्तंभ में चैन चोरी ज्यादा होती है ना, तो यहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था होती है, एक्सीडेंट भी इतने होते हैं। वही हम इच्छा है कि हॉस्पिटलों में हॉस्पिटल हो ही रही है लेकिन बाकी प्राइवेटों में, लेकिन मेन चीज तो यही है कि ना तो लाइटों की नवरात्रि है तो भी ना तो यहाँ कोई बल्ब लगता है। इवन हमारे जस्ट घर के पास भी नवरात्रि में माता जी का सबसे बड़ा गरबा यहाँ होता है लेकिन कभी ना तो लाइटों की सुविधा बिल्कुल जैसे जैसे करते थे। हम तो यूँ कहते हैं कि पूरी व्यवस्था ही हमारे बोर्ड द्वारा हो ताकि यहाँ अच्छे से अच्छे हमारे माता जी आए और अच्छे से खेल पाए। बहुत पहली बार नगर पालिका का बोर्ड बना, हाँ। तो नगर पालिका से क्या अपेक्षा रखते हो आप? नगर पालिका से अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ पर उचित कचरे का प्रबंधन किया जाए, बिजली की व्यवस्था सभी पर हो, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कहीं पर ये एक्सीडेंट वगैरह नाइट के टाइम पे होते हैं तो वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से ये एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जो यहाँ पर बच्चों के लिए लाया जाए और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज जो होती है डॉक्टर्स वगैरह की, और वो उचित प्रबंधन किया जाए, टाइम टाइम पर कैंप किए जाए, और तरह तरह की जितनी बीमारियां फैलती है कचरे की वजह से, और जो अशिक्षित लोगों को जो ज्ञान नहीं है वो उनको ज्ञान तरह तरह से पहुंचाया जाए, अलग अलग कमेटी बनाई जाए भाजपा की तरफ से, और अशिक्षित लोगों को घर घर जाकर के बताया जाए कि ये चीज करने से ये बीमारी होती है और इसका ये उपचार है।